दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल विज एफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिस्टम एप्लीकेशन सेटिंग के बारे में कि आपकी फुटेज मान लीजिए कोई 2K की है या HD फॉर्मेट में नहीं है तो उसके लिए सिस्टम की सेटिंग कैसे करेंगे या सिस्टम सेटिंग EDS के अंदर आप कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये देखिए यह फुटेज 4K की थी, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको इसके सिस्टम एप्लीकेशन सेटिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग होती है। सपोज कीजिए आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग करनी है तो उसके लिए करंट सेटिंग जो अभी हमारी चल रही है ये चल रही है 1920x1080। अब आपको क्या करना है, इसमें चेंज सेटिंग जैसे करना है आपको, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये जैसे 4K का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर आप जाके 4K की वीडियो का आपका यहाँ से फॉर्मेट एडवांस में ये जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रेशो के यहाँ पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, मतलब साइज दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से आप अपने साइज को ले सकते हैं कि आपने क्या सेटिंग रखनी है, है ना। जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ 4096x21 यानी कि 4K के करीब, और यहाँ से आप 3840x इसको कर लीजिए। ओके कर देते हैं हम। अब देखिए ये आपकी सेटिंग जो है चेंज हो गई है बिल्कुल। तो अगर आपने दोबारा इसको चेंज करना है तो वापस आप यहीं पे जाएंगे। ये आपको इसमें प्रोजेक्ट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ही आप कर सकते हैं। अब मैं वापस उसी उस पोर्शन में जा रहा हूँ और ये अपनी सेटिंग मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये किया मैंने, यहाँ पर आपके पास एडवांस का भी ऑप्शन होता है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसको हम ओके कर लेंगे तो ये आपकी सेटिंग 1920x1080 हो चुकी है। ये देखिए ये आपका 1920x1080 आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यूजर सेटिंग और सिस्टम सेटिंग के बारे में और प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।